Trinamool Congress Party in West Bengal has released its first list of candidates recently. However, we are also getting to know that there has been an internal clash in the party. TMC leaders are expressing their anger about the multiple candidates. Even Mamata Banerjee's brother, Babun Chatterjee, Banerjee, I beg your pardon, expressed his displeasure, following which the Bengal CM snapped all ties with him. Renik, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Renik, agar aap meri awaaz sun pa rahe hain? Renik? Babun Banerjee ne aisa kya kaha ki Mamata Banerjee ko unse ye ek nata todna pada aur kya internal clashes gadbadi dikhai de rahi hai TMC mein is waqt? एकदम ही देखिए ब्रिगेड के मन से जब ममता बनर्जी की तरफ से जो कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर किया गया था जो 42 कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया गया था उसमें बहुत सारे नया नाम शामिल हुआ था तृणमूल कांग्रेस के लिए और ये नाम सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस का अंदर का जो क्लैश वो बाहर आने लगा। एक तरफ जब हर एक लीडर की तरफ से बयान आने लगा कि उनको कैंडिडेट करना चाहिए था, जो कैंडिडेट हुआ है वो कैंडिडेट सही नहीं है, इस तरीके का बयान आ रहा है। और उसी बीच में बाबुन बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भाई बाबुन बनर्जी की तरफ से भी हावड़ा एरिया का जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट दिया गया था प्रशांत बंदोपाध्याय, उनको लेकर जो कमेंट आया उसके बाद ही ममता बनर्जी ने डिसाइड किया बाबुन बनर्जी के साथ जो रिश्ता वो रिश्ता तोड़ देने के लिए, क्योंकि बाबुन बनर्जी की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस के लिए हावड़ा में जिस कैंडिडेट को चुना गया है वो कैंडिडेट हावड़ा के लिए सही नहीं है। प्रशांत बंदोपाध्याय जो कि बहुत ही सीनियर टीएमसी लीडर है, पहले भी टीएमसी को होके वो लीड किए थे और उसी प्रशांत बंदोपाध्याय को लेकर बाबुन बनर्जी का ये जो डिसीजन था, ये जो बयान सामने आया था उसके बाद ही ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया कि बाबुन के तरफ से इस तरीके का जो बयान वो ममता बनर्जी नहीं सहेंगे और इसी वजह से बाबुन बनर्जी के साथ उनका फैमिली रिश्ता भी अभी तोड़ने वाला है ममता बनर्जी, ऐसा भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। यानी एक तरफ जब टीएमसी का ये कैंडिडेट को लेकर बाबुन बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में ये क्लैश चल रहा है और उसी बीच में टीएमसी का हर एक जगह में देखा जाए तो बैरकपुर जो जगह जिस जगह में अर्जुन सिंह बीजेपी का एमपी अर्जुन सिंह बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आए थे, ये अर्जुन सिंह को भी कैंडिडेट करने का एक वादा किया गया था और सोचा जा रहा था कि अर्जुन सिंह को बीजेपी तृणमूल की तरफ से बैरकपुर जो एरिया है उस एरिया में कैंडिडेट दिया जाए। उसके बाद दिखा गया कि पार्थ भौमिक के ऊपर भरोसा रखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पार्थ भौमिक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनको उसी जगह में एमपी का टिकट भी दिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जादवपुर कंस्टिट्यूएंसी उसी जगह में सायनी मनोहर, सुनने में आ रहा है कि अर्जुन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। एकदम देखिए जैसे कि खबर आ रहा है कि अर्जुन सिंह कल ही बीजेपी ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि पहले भी दिखा गया था 2019 लोकसभा इलेक्शन पहले तृणमूल छोड़कर बीजेपी आए थे ये अर्जुन सिंह, उसके बाद ही 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के होकर एमपी कैंडिडेट हुए बैरकपुर में, उधर से वो बहुत सारे मार्जिन में उनका जीत भी हुआ था। उसके बाद ही 2020 साल में दिखा गया अर्जुन सिंह फिर से तृणमूल में लौट गया था, मगर इस टाइम 2024 साल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पार्थ भौमिक को बैरकपुर में कैंडिडेट करने के बाद ही अर्जुन सिंह ने डिसाइड किया है कि वो तृणमूल छोड़ देंगे, तृणमूल छोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और जैसे कि सोर्स मार्फत खबर आ रहा है कि आज ही रात को दिल्ली जा रहे हैं अर्जुन सिंह, रात में 8 बजे तक वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद ही कल सुबह दिल्ली का बीजेपी हेडक्वार्टर से फिर से बीजेपी ज्वाइन करेगा अर्जुन सिंह। और शायद बैरकपुर जो कैंडिडेट सीट है बैरकपुर लोकसभा सीट से वो फिर से फाइट भी कर सकते हैं तृणमूल के अगेंस्ट में बीजेपी का टिकट में, ऐसा भी एक संभावना है क्योंकि बैरकपुर या पूरा जो एरिया है ये बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र इसी जगह में अर्जुन सिंह का एक चलता है और तृणमूल कांग्रेस के होकर अर्जुन सिंह की तरफ से बहुत सारे काम भी किया गया था। अर्जुन सिंह जो कैंडिडेट नहीं हुआ उसी टाइम में पूरा बैरकपुर जोर के प्रोटेस्ट दिखाने लगे थे, जो सपोर्टर्स है अर्जुन सिंह का जो सपोर्टर्स है दिखाने लगे थे। उसके बाद ही 2 दिन बाद दिखा गया अर्जुन सिंह के जो घर वो घर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो तस्वीर वो हटा गया गया, उस जगह में नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लगा दिया गया। उसी टाइम में अर्जुन सिंह की तरफ से स्पष्ट दिया गया, बोल दिया गया कि वो फिर से बीजेपी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी ज्वाइन करके पार्थ भौमिक के अगेंस्ट में
बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ाई भी करेंगे लोकसभा चुनाव में, और इसी बीच में एक तरफ ममता बनर्जी और बाबुल बनर्जी के बीच में एक क्लैश चल रहा है, और उसके साथ साथ ही अर्जुन सिंह की तरफ से और पार्थ भौमिक के बीच में भी क्लैश चल रहा है। और सिर्फ ये दो सीट नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सीट से वो जो सीट में जो कैंडिडेट है उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि उस सीट में वो कैंडिडेट को क्यों दिया गया है। ये तृणमूल का अंदर का ही सवाल है कि यूसुफ पठान के जैसे स्टार कैंडिडेट को दिया गया है बहरमपुर में अधीर रंजन चौधरी के अगेंस्ट में। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी के साथ फाइट करने के लिए एक वरिष्ठ नेता को देना चाहिए था, उसी जगह नया कैंडिडेट यूसुफ पठान को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है तृणमूल कांग्रेस। दूसरी तरफ अगर दिखा जाए अभिजीत गंगोपाध्याय को जिस जगह से बीजेपी की तरफ से संभव तालिका में है अभिजीत गंगोपाध्याय, तमलुक एरिया से जिस जगह को शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन का एरिया कहा जाता है उसी जगह तमलुक एरिया से अभिजीत गंगोपाध्याय को शायद बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, सीट में खड़ा होकर जाएगा। उसी जगह में एक यंग कैंडिडेट को पीएमसी की तरफ से चुना गया है देवांशु मटियारिया, जो कि पहली बार वोट के लड़ाई में शामिल हो रहा है और वो भी लोकसभा इलेक्शन में। और इसी बीच में टीएमसी के अंदर में भी बहुत सारे चर्चा चल रहा है, यानी बोल सकते हैं टोटल 2024 लोकसभा इलेक्शन को सामने रखते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 तारीख जो लिस्ट डिक्लेयर किया गया था, वो लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद वो लिस्ट को लेकर जिस तरीके का चर्चा चल रहा था कि कलरफुल लिस्ट टीएमसी की तरफ से रखा गया है, एक तरफ वरिष्ठ नेता एक तरफ कंट्रोवर्शियल जो कैंडिडेट उनको भी रखा गया है, एक तरफ स्टार कैंडिडेट यूसुफ पठान के जैसे स्टार कैंडिडेट, दूसरी तरफ जो क्रिकेटर कीर्ति आजाद और उसके साथ एक्टर एक्ट्रेस, बहुत सारे नाम था तृणमूल कांग्रेस की ये लिस्ट पे। मगर तृणमूल कांग्रेस के ये लिस्ट सामने आने के बाद ही तृणमूल कांग्रेस के अंदर का जो मामला जो क्लैश वो क्लैश सामने आने लगा है, और 2024 इलेक्शन को सामने रखते हुए तृणमूल कांग्रेस का ये क्लैश एक फायदा दे सकता है बीजेपी का, और बीजेपी को बहुत सारे सीट में आगे भी ले जा सकता है ऐसे भी बोल सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.